हेलो एवरीवन आई एम यामिनी ठुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल तो बच्चों टर्म वन तो अब हो गया अब बारी है हमारी टर्म टू की प्रिपरेशन की तो किस किस ने टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है आई एम श्योर

कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट करे हैं तो चलिए देखते हैं एक-एक करके जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर इसमें तो कौन -कौन से डिलीट इस हुए हैं सबसे पहला चैप्टर जो डिलीट हुआ है टर्म टू में से वो है हमारा चैप्टर इलेवन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं Thank <laughs> you. तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखना था कि कैसे जो मिनरल्स हैं जो वाटर है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर है ना वही देखना था तो इसके सब टॉपिक्स क्या क्या थे इसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर गैसेज एंड न्यूट्रिय जो कि इसका जो है नाम डिफाइन करता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कि क्या क्या मूवमेंट हो रही है वाटर की गैसेस की न्यूट्रिएंट्स की सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशनशिप इम्बाइबिशन वाटर potential osmosis plasmolysis long distance transport of water absorption apoplast symplast transpiration pull root pressure and guttation ट्रांसफोरेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसलो अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्री ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लो एम ट्रांसपोर्ट एंड लास्टली मास फ्लो हाइपो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर हम बेसिक जो चीज पढ़ते वो क्या पढ़ रहे थे कि कैसे जो वॉटर है मिनरल्स है गैसेज है प्लांट के अंदर छोटे डिस्टेंसेस पर बड़े डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करती है तो यह चैप्टर जो है सी बी एस ई ने डिलीट कर दिया है टर्म टू से नेक्स्ट चैप्टर जो डिलीटेड है वो है चैप्टर ट्वेल्व मिनरल न्यूट्रिशन कौन कौन से मिनरल्स चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो प्लांट को चाहिए होते हैं और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं मिनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन साइकिल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दीज आर द सब टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड इन द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन सो चैप्टर ट्वेल्व मिनरल न्यूट्रिशन की कैसे प्लांट्स जो है कौन कौन से मिनरल्स वो लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन से न्यूट्रिशन वो लेते हैं वो सारा इस चैप्टर में आता तो ये चैप्टर जो है सी ने सिले बस से टर्म टू के डिलीट कर दिया है लास्ट चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो है चैप्टर सिक्सटीन डाइजेशन एंड एबजॉर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसमें बताया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का का फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर चैप्टर था था ये यूनिट जो कि सी बी एस ई ने डिलीट कर दिया है पर ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं जो हमारे गैस्ट्रोटर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है उसमें हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं पेरिस

ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर ये चैप्टर्स जो है सिलेबस से डिलीट हुए हैं तो यहां भी नहीं पढ़ाए जाएंगे नहीं हम लोग इन चैप्टर्स को भी उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम लोग सिलेबस में रहे वाले चैप्टर्स को कर रहे हैं तो ये तीन चैप्टर्स जो इलेवेंथ से डिलीटेड है ये भी आपको जो है यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे आ रहे हैं है, इनके अलावा सारे डिलीटेड हैं सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट्स थ्रू पेपर क्रोमैटोग्राफी ये आ रहा है सेकंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ ये भी आ रहा है थर्ड स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बर्ड्स लीफ टिश्यू एंड जर्मिनेटिंग सीड्स ये आ रहा है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन एंड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो है आ रहे हैं बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं ये भी टर्म टू के अंदर आ रहे हैं टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ एनिमल सेल्स एंड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स ये हमारा किस में आएगा स्पॉटिंग में आएगा ये स्पॉटिंग में आएगा इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा प्रैक्टिकल्स में ये स्पॉटिंग का सिलेबस है और इसके अलावा सिलेबस में नहीं आएगा प्रैक्टिकल्स में तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें अड्डा ट्वेंटी फोर स्कूल के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना है और जुड़े रहना है अड्डा ट्वेंटी स्कूल के साथ बाय